मार रोड हम रीगल चौक खड़े हैं और सूरत हाल ये है कि मोस्टली लोग अब हेलमेट यूज़ करना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम पीके, क्या हाल है? अबे पीके हैं जी, पीके हैं। अभी नहीं, अभी नहीं। ये क्या जी, अभी नहीं पीके हैं? अभी नहीं सर। कहाँ से आ रहे हो? इधर से आ रहे हैं। किधर चुके हैं? अपना ही सर। ये ला के बुखाओ, मैं जरा पूरी कॉम नू बुखाओ। वाह 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 वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये प्लास्टिक है बहुत। ये आप गिरेंगे तो, ये अल्लाह ना करे आप गिरें, अगर कुछ थोड़ी मोटी आप उल्टते उल्टते हैं तो ये तो टूट जाएगा। यार एडा सोना हेलमेट जी सर। सेल भी पहनते बिच? नहीं सर, सेल पा लेंगे जब होगे। सेल पाओ यार, ये प्यारा है जी, है ना? सोने बाबा सुना। हाँ। सोने मुंडे जड़े जने ना साहब, ए ओ नहीं गे, एक गल याद रख। तानू ते नहीं आ छड़ना होना जड़ा हेलमेट पाया जे। क्यों हेलमेट पाया मैं? सोने बाबे तानू नहीं आ छड़ना है ना। सोने मुंडे वा तेनू फसाला। ओ सोने बाबे। हजरत साहब ए की हेलमेट? हजरत साहब ए किस तरह दा? ये मिल रहा है बाजार में। नहीं हजरत साहब, ये प्लास्टिक है, बुरा हाल इसका। जमील साहब ये देखें, हेलमेट उन्होंने मारा, टूट गया। इसे टूटना नहीं चाहिए था। आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू इतनी सी है, नीचे मारा टूट गया। वेरी गुड सूफी साहब, ये तो आप दोनों हेलमेट पहन के जा रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, कानून की पासदारी करनी है तो अच्छी बात है, होना चाहिए। आप देखें कितने खूबसूरत हैं, और ये बातें करते हुए आपका हुसन और बढ़ जाता है। आपने नहीं कुछ पहना हुआ, कोई हेलमेट वगैरह? भाई ने पहनना तो हुआ। पुत्र आप गिर गए तो ये काम आएगा आपके? नहीं तो आपका ही काम आएगा ना। तो बेटा दोनों को पहनना चाहिए ना, बाइक पे बैठे हो अब आम में हो। ठीक है, ठीक है, इसे प्लेन ही समझो मेरा बच्चा। ठीक है। ये सीटीओ साहब की जानिब से एक लेटर लिखा गया है कमिश्नर साहब को, और सीसी किया गया है आईजी साहब को, डिप्टी कमिश्नर को, और उसमें बड़ी अहम बात है। बात ये है कि जितने लोग पेट्रोल पंप के मालिकान लोग हैं या वो अफराद जो पेट्रोल से रिलेटेड हैं, वो पेट्रोल ही ना दें उन अफराद को जो हेलमेट के बगैर और बैक मिरर्स के बगैर उनके पास आते हैं। ये जो लेटर आया है सीटीओ साहब की जानिब से, आपने पढ़ा होगा, इस पर क्या आपका रद्द अमल क्या है? पहला रद्द अमल क्या है? देखिए मुझे तो फ्रेंकली स्पीकिंग बड़ा फनी सा वो लेटर लगा है। तो भी नहीं पाया, बैक मिरर भी कोई ना, हेलमेट घर रह गया। बैक मिरर किस तरह वेंदे हो पीछे? शाबाश, पीछे वेखण वाला शीशा नहीं लाया? नहीं लाया सर। क्यों? बस अल्लाह पाक ने अखा दी ने। पीछे देखोगे अगे देखोगे किस तरह बताएं? बैक मिरर नहीं लगाया? लग जाएगा, पेट्रोल मिलना बंद हो जाना है। लगाएंगे बैक मिरर? लगवाएं, बैक मिरर होना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है, नहीं तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। हाँ जी वो ये तो अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम, ये तो इधर बैक मिरर भी नहीं लाया, पीछे किस तरह देखते हो? पीछे? हाँ पीछे लाइट के जरिए। लाइट किस तरह? पीछे लाइट पी रात में चलाई दे। नहीं भी नहीं है सर, हेलमेट नहीं दिया उन्होंने साथ? नहीं सर, हेलमेट नहीं दिया उन्होंने हमें, हमने खुद अपना लिया। कुछ नहीं हुआ सर, खान साहब के विजन को हमने वोट दिया था, उन्होंने तो ये कहा था कि हमने रिटर्न लिख के दिया है, तो मतलब कि किसी जगह से कोई बंदे को निकाला नहीं जाएगा। लेकिन सर अब उन्होंने तकरीबन कुछ 200-250 बंदा सर निकाल दिया है, तो वो ये इधर आपने बैक मिरर लगाना होते हैं शीशे? हाँ वो नहीं लगाते क्यों सर? बना पेंडू जहा लग रहा या, आज तो ब्लंडर हो रहे। जस्टिस जनाब अली अकबर कुरैशी साहब का बहुत बड़ा फैसला, हेलमेट इंप्लीमेंट करवाया। पीके हैं? बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? जिशान। तो जिशान इस दोस्त को चोट नहीं लग सकती? सर बिल्कुल लग सकती है। आप हेलमेट पहनेंगे तो आपकी सेफ्टी है, अब ड्राइवर तो सेव कर लिया उसने पहन के हेलमेट, आप सेफ नहीं है। कह रहे इमरान खान को, क्या कह रहे? इमरान खान को कहना हमें हेलमेट लेके देना गरीब आदमी को। आपने तो हेलमेट पहना है, लेकिन वो बच्चा जो पीछे बैठा है उसने हेलमेट के बगैर ही है। पैसे नहीं है, 800 रुपए दिहाड़ी, हम क्या करें सर? आपको भी चोट लग सकती है, खुदा ना खासा कोई हादसा होता है तो हेलमेट आपके लिए भी तो उतना ही जरूरी है ना? जरूरी है सर, है ना? कौम के नाम कोई पैगाम देना चाहते हो? बस हेलमेट ही पहने सारे। बाइक पे होता हूँ तो हेलमेट यूज करता हूँ, जब गाड़ी पे होता हूँ तो बेल्ट लाजम बांधता हूँ, क्योंकि इसमें हमारा फायदा है। साहब आपको भी तो चोट लग सकती है उसी तरह जिस तरह इनको गिरने टैक्सने वाले बंदे को ज्यादा खतरा है, क्योंकि राइडर के हाथ में तो स्पोर्ट है। साहब हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? पहनेंगे इंशाल्लाह। 1 दिसंबर से पिछली सवारी ने भी हेलमेट पहनना है, गिरने की सूरत में आपको भी तो चोट लग सकती है ना? क्या बनना है बड़े होके? मैंने बड़े होके क्रिकेटर। क्या बनना है? क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना है? कौन से क्रिकेटर आपको बहुत पसंद है? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी साहब, अच्छा ओके। और आपने क्या बनना है जी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, लेकिन इनको हेलमेट लेके दें। ठीक है सर, ठीक है। हजरत साहब मुझे बताएं कि वसीम तो बच जाएगा इंशाल्लाह, हेलमेट पहना है उसने, आपका क्या बनेगा इंशाल्लाह? जो है ना 1 दिसंबर से। हाँ जी 1 दिसंबर तक है तो इंशाल्लाह ले लेते हैं, हम भी पहनेंगे। अबे पीके हैं? हेलमेट है। ये कौन सा हेलमेट है यार? बस क्या करें जी, आप अपने ईमान से बताएं कि गिरने की सूरत में खुदा ना खास्ता अल्लाह आपको सलामत रखे, लंबी उम्र अता करे, गिरने की सूरत में ये बचेगा?
इसके टुकड़े हो जाएंगे ना, तो ये किसको धोखा दे रहे हैं? 1 दिसंबर से इसको लाजमी बनाना पड़ेगा कि बाइक राइडिंग की सूरत में अगर पीछे आपके लेडी भी सवारी भी बैठी हैं या कोई मेल बैठे हैं तो उनको हेलमेट पहनना चाहिए। उससे बचत किसकी होगी? आपकी अपनी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फहद शहबाज़ खान। आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला किया गया और इस फैसले के मुताबिक जनाब अली अकबर कुरैशी साहब के अहकाम हैं और उसके मुताबिक मोटरसाइकिल की फरोख्त पर पाबंदी आयद है, उनको साथ हेलमेट देना होगा। और ये बड़ी डिटेल्ड पिटीशन है और इसमें बड़ी अहम तरीन चीज़ें भी हैं। सबसे बढ़कर इसमें आपने देखा होगा कि बाइक्स में ख़वातीन बैठती हैं तो उनके दुपट्टे जो हैं वो आ जाते हैं या वो व्हील में आ जाते हैं या चेन में आ जाते हैं, तो चेन कवर का होना ज़रूरी है, व्हील कप्स या व्हील कवर्स का होना ज़रूरी है। तो ये बड़ी डिटेल्ड है चीज़ें हैं। हॉस्पिटल्स में बड़ी तादाद है लोगों की कि बच्चों के पैर जो हैं उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं चूँकि वो या चेन में आ जाता है, जो बाइक का चेन है चेन कवर ही नहीं होता। और इतनी आप एक मशीनरी है जो आपकी सवारी है उसे आप सड़क पर लाते हैं तो उसकी SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता। और बड़े पैमाने पर आप ये देखें कि हादसात में बहुत बड़ी कमी आई है, 80% हादसात में हेड इंजरीज में कमी आई है हेलमेट्स होने की वजह से। और अब तो दो दो लोग हेलमेट्स पहनते हैं, बैक सवारी भी हेलमेट पहनती है। सलाम अलैकुम वाली साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? का शुक्र है। इनको क्यों रोका आपने? जी बैक सीटर ने हेलमेट नहीं पहना हुआ और इनकी नंबर प्लेट भी जो इलीगल है वो टूटी हुई है। सलाम अलैकुम सर, वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र बॉस। ये आपके फ्रंट मिरर्स भी नहीं लगे हुए? बस कभी लगवाए नहीं ना। है जादूगर इंसान, पीछे कैसे देखते हो? बस ऐसे मुड़ के देख लेते हैं और क्या। इस तरह हो जाता है गुजारा? गुजारा 20-22 साल से चला रहे हैं ऐसे। तो आपको उम्मीद है कि 20-22 साल और भी आप इस तरह चला लेंगे? चला सकते हैं, इधर सब कुछ मुमकिन है। जब लेन आपने चेंज करनी है जी तो कोई रेगुलेशन तो इसका रखें, मिरर हो बैक पे आप देख सकें क्या हो रहा है क्या नहीं। सर अब देखें, इन्होंने कानून ऐसा बना दिया कि मिरर लगाओ। अक्सर आप देख लें हजारों लाखों बाइक ऐसी जिनके मिरर नहीं लगे हुए। आपने अपनी बाइक का जवाब देना है। नहीं, मैं ये है कि अब जब एक कानून बन गया तो मैं मिरर लगाऊंगा। आज आप और हम खड़े हैं और आप कटहरे में हैं, वार्डन साहब ने आपको रोका हुआ है जी। आपने अपना जवाब देना भाईजान, ये नहीं कहना कि अच्छू था मोटरसाइकिल फाड़ लो। मैं ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिरर लगाएंगे। शेर आता है आपको? खुद ही को कर बुलंद अपना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे खुद पूछे बता दे री रजा के। कोई और आता है? सोच लें, कोई मसला है, कोई जल्दी नहीं है। नहीं बस एक ही काफी है। तो गाना गुना आता है आपको? नहीं गाना नहीं। तो नात शरीफ आती हो? आते हैं वैसे, इनको बहुत आते हैं। गा लेते हैं? हाँ जी, इनको आते हैं। सुनाओ, नहीं तो बड़ी बिस्ती जी हो रही है, अपना लेवल करो। मौका दे रहे हैं तानू, प्लीज अच्छा सा गाना सुनाए। कुमार सानू सुना दे, कोई कुछ और सुना दे। भाभियां पता नहीं किन्निया रखी उन्हें, तानू की पता, भावे रंग भावे रंग खेड रहा हो भाभी से लाया। हाँ जी, अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम, वाह वाह वाह, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। सुनाते जाए अगला भी सुनाए। नहीं बस काफी है, बस इतनी। बहुत शुक्रिया आपका, चलान कटो पाने का। बहुत शुक्रिया आपका। अली साहब हमारे साथ हैं जी और फोर्सेस के बहुत सारे लोग इधर अपना काम बड़ी तनदही से कर रहे हैं। इनको बता रहे हैं सूरत हाल की, आपको सर सलाम अलैकुम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, बच्चों को ट्यूशन से लेना मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है। हाँ जी अली साहब, सलाम अलैकुम जी। सर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास चाहिएगा? मेरे पास है, सब कुछ है मेरे पास। अभी एक नया इशू बन रहा है कि वो पीछे वाले बंदे को भी हेलमेट चाहिए तो इसको टाइम लगेगा, 2-4 रोज लगेंगे सबको लेने के लिए, एकदम से सबके पास तो नहीं है। हमारी कंपेन मुकम्मल हो चुकी है, हमने ब्रीफ भी लोगों को कर दिया, एजुकेट भी कर दिया है मीडिया के जरिए से भी और सोशल मीडिया के जरिए से भी, ठीक है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये ला तो 1965 का है, अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ऑनरेबल जस्टिस अकबर अली कुरैशी साहब के ऑर्डर्स हैं, तो बैक सीटर जो है वो भी हर सूरत में जो है हेलमेट पहनेगा। ड्राइविंग आप सर क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सर आप क्या करते हैं? मेरा प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस है, हाँ। तो मुझे ये बताइए कि ये बड़ा लाजमी नहीं हो जाता? सर तो ड्राइव कर रहे हैं, हाँ। तो ये गिर जाएं अल्लाह ना करे, तो इन्होंने तो हेलमेट पहना है, तो बैक सीटर जो है वो बेचारा भी गिर सकता है, अल्लाह ना करे, है ना, हेड इंजरी हो सकती है, हो सकती है, ठीक है ना। तो आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि हेलमेट पहन के सफर किया करें। इसके अलावा कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये जी आप, वाह 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 वाह, अस्सलाम वालेकुम सर, दो हेलमेट जी सर, वेरी गुड यार, ये क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रहे हैं?
सर हेलमेट लेने जा रहे हैं छोटे भाई के लिए, उसके लिए भी हेलमेट लेने जा रहे हैं मिकलोर। अगर दर्जन बार हेलमेट तो आपको रखना पड़ेगा घर में। जी बिल्कुल ऐसा है ना, एक स्टैंड बनेगा घरों में जिसमें हेलमेट। चोरी हो गए हैं, वायर लोग काट के कोई ले गया, पर्चा किस पे करवाऊं मैं ये बताएं। थाने पे करवाएंगे आप, पर्चा कैसे करवाएंगे? हम किसको पकड़े आप बताएं ना, किसने पकड़े हैं? इसको पकड़े हैं, कोई उतार गया है, वो बाहर लोग ही काट के ले गया था, हेलमेट भी ले गया। शुक्र करो फिर मोटरसाइकिल बाज की दाड़ी, साइकिल ले गया मेरी। शुक्र करो फिर नए पासे लाता सानू ते तब्दीली, चंगी तब्दीली आई है। मैं लगता सी तब्दील हो जाना, पता चलना पाकिस्तानी लभने ही नहीं है। खासे बरहम लग रहे हैं आप सर, दो हेलमेट चले गए सर, ऊपर से कीमत 2000 रुपए से कम आता कोई नहीं। हेलमेट दो ले गया सर, एक एक गया, एक फिर गया, फिर मांग के पुराना किसी को एक एक करके गया। देखो ना तफ्तीश लैदा तरीके होगी, किसी को मांग के मैं अपने काम काज करिए ना फिर भाजी। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਹੈਲਮਟ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਧ 80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਬੋਝ ਪਾਈ ਲੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਕੈਸੇ ਆਪ, ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਜ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਆਪਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਕੈਸਾ ਆਪਕੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? अभी तो थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन रूटीन हो जाएगी। लेकिन आप थोड़ा सिक्योर और सेफ्टी महसूस नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं सर। और आप इसमें, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें आप बहुत सारी खातीन जो हैं जब बाइक पे बैठती हैं हमारी खातीन तो उनके दुपट्टे जो हैं मोस्टली आपने देखा होगा कि व्हील में आ जाते हैं, और आप ये भी बता सकती हैं अपनी सारी देखने वाली कोलीग्स को, अपनी जितनी भी खातीन हमारी हैं, कि बैठते हुए आप ये ज़रूर ख्याल रखें कि व्हील कवर होने चाहिए, चेन कवर भी होने चाहिए, क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल होने चाहिए सर, ताकि इससे आप सिक्योर हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ये देखें कानून की पाबंदी करते मुहज़्ज़ब लोग कितने अच्छे लगते हैं, और इससे सबसे बढ़कर फ़ायदा होता है कि हमारी बहन भी महफूज हैं और जो चचा चला रहे हैं वो भी महफूज हैं। अदरवाइज़ सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़राब थी, खातीन भी गिरती थी हेड इंजरी की सूरत में। ये बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले का इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। अदरवाइज़ जो हमारी पुलिस फोर्स है वो बड़े आहनी तरीके से निपटती है। सर सामने आदाब सर, कहिए से आप, मिजाज ठीक है आपके? जी मिजाज ठीक है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद उबैद। अच्छा अली साहब किधर गए जी? अली साहब क्यों रोका इनको? इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ और बैक सीट ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ। सर आ जाए साइड पे, इधर साइड पे आए जी, ताकि ट्रैफिक में कोई खलल भी ना पड़े। और सूरत हाल आपके सामने है और आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होगा, हमें लग रहा है कि शायद अदालत की जानिब से कुछ और अहकाम भी आएँ जो सेफ्टी से मुतालिक होंगे, पब्लिक सेफ्टी से मुतालिक। लोग बैठते हैं और अब तो बाइक साहब को मिल ही नहीं सकेंगी जब तक हेलमेट साथ ना हो। जी क्या सूरत हाल है जी? जी इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और हेलमेट इन्होंने ना पहना है, ना बैक सीटर ने पहना हुआ है। अब इनको टिकट इशू करने लगे हैं हेलमेट ना पहनने की वजह से। बैक सीटर सर किधर गए आपके? बैक सीटर अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब, तुसा हाजी साहब निकल पसाद है, इधर आए, कैसे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेब है। सुहेब साहब आप दोस्त हैं, भाई हैं? दोस्त हैं। तो आप हेलमेट वगैरह, दो हेलमेट होने चाहिए, आप भी तो गिर सकते हैं खुदा ना खास्ता। उन्होंने तो खैर खुद भी नहीं पहना हुआ, उन्होंने चाहिए लेकिन अभी ये बोला घर बुलाया और एमरजेंसी मुझे भी इसने रस्ते से पिक किया, मैं अभी घर से नहीं आ रहा, हम अभी हाल रोड जा रहे थे, मैंने ये घर बुलाया और मुझे इसने यहाँ से पिक किया। लेकिन सेफ्टी के लिए बड़ा ज़रूरी, कोई लम्हा ऐसा जो ख़तरनाक हो वो हादसे का सबब बन सकता है ना, ऐसे बहुत ज़रूरी है। और इसमें अभी व्हील कवर्स और जो चेन कवर्स हैं इनको भी इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं चीज़ें, ताकि आपकी सेफ्टी जो है उसे यकीनी बनाए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। बैक सीटर हेलमेट पहन के क्या महसूस होता है? बस ये सेफ्टी के लिए होता है ना, सेफ्टी महसूस बिल्कुल होता है और ये अपनी सेफ्टी के लिए, किसी के लिए थोड़ी ही है। आप नहीं समझते कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हादसात की भेंट चढ़ गए, बहुत अरसा पहले ये इनिशिएटिव ले लिया जाता तो हालात शायद बचत हो सकती थी। बिल्कुल बहुत सारे बच सकते थे, और वैसे भी बाइक एक डेंजरस सवारी है, इसमें तो हेलमेट क्योंकि हादसा केयरलेसनेस है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, इस कॉज को सेटिस्फाई करके तो हादसे से बचा जा सकता है। बिल्कुल लोग इसे तकदीर से ताबीर करते हैं, हालांकि ये केयरलेसनेस है। केयरलेस इसी तरह ही है कि एक बंदा मोटरवे पे जहाँ 125 की स्पीड पे गाड़ियाँ आ रही है सेंटर में जाके खड़ा हो जाए, ऐसे ही वो तो हिट ही होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये जब स्पीड में होंगे तो बाइक पे जो है वो ज्यादा चोटें लगने का खतरा होता है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सर। ये देखें जी माशाल्लाह आपको बैक सीटर्स भी हेलमेट के साथ आज नजर आएंगे। सर आपने किधर जाना है? सर हम माल पे आए हैं। तो बैक सीटर ने भी हेलमेट पहना है? जी सर बिल्कुल। ये आपको पता चल चुका था? जी सर न्यूज है, न्यूज चल रही है और आपको पता सोशल मीडिया तो अब आम चीज है तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है।
आपने पीछे बैठ के थोड़ी सेफ्टी महसूस नहीं की इस तरह? बेशक, थोड़ी बेहतरी महसूस की जी बिल्कुल। और इस तरह आपको महसूस हुआ कि आप सेफ्टी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि भाईजान अगर गिरते खुदा ना खासा तो इन्होंने हेलमेट पहना है, आपने ना पहना होता तो क्या बनता फिर? हेड इंजरी हो सकती थी ना। बड़ा जरूरी है जी, ये चीजें बहुत जरूरी है। बैक सीटर जो है, पीछे बैठने वाली सवारी, वो हेलमेट जब पहने तो कुछ थोड़ी सेफ्टी का एहसास होता है कि आप सेफ हैं। आप बिल्कुल होता है। कानून के पाबंद हमारे मुहज्जब शहरी देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। भाई जी आपका ख्याल नहीं रखते, तो आपको हेलमेट क्यों नहीं लेके दिया? खूबसूरत भी हैं भाई जो हैं, तो शायद इसलिए हेलमेट पहनने में हेजिटेशन फील करते हैं। यार पहना करें है? नहीं वो पहनेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। वो हेलमेट वगैरह नहीं पहना आपने? नहीं पहना तो है उसने। नहीं पिछली सीट ने, उस बैक सीट ने हो गया। हाँ ये पता ही है आपको, सियाने बहने आदमी। नहीं